on 31st March 2002, taking out a trial balance, a bookkeeper find an excess debit of rupees 5000. The amount is debited into suspense account for the preparation of balance sheet. The following errors, however, were revealed. पहला, विक्रय पुस्तकों का योग 1000 रुपए कम लगाया गया था. The sales book undercast by rupees 1000. दूसरा, 2000 रुपए मोहन से प्राप्त हुए. उसके खाते में सिर्फ 200 रुपए क्रेडिट हुए. Rupees 2000 were received from Mohan, but only rupees 200 were credited in his account. Third, 1500 रुपए का क्रय केवल 500 रुपए क्रय खाता में लिखा गया. Purchase for rupees 1500 were entered as only rupees 500 in the purchase account. Fourth, ब्याज में दी गई 6800 रुपए की रकम ब्याज खाते में नहीं लिखी गई. Interest paid amounting to rupees 6800 was written in the interest account. उक्त त्रुटियों को पंजी प्रविष्टि द्वारा ठीक कीजिए और उच्चंत खाता बनाइए. इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट में विक्रय पुस्तक का योग 1000 रुपए से कम लगाया गया. अब क्योंकि ये सेल्स अकाउंट है और जब हम सेल करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, और क्रेडिट वो इसलिए होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल जब भी हमारे बिजनेस से माल जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं. अब यहाँ पर हमको देखना है कि विक्रय पुस्तक का योग कम लगाया है या ज्यादा लगाया है. तो क्योंकि यहाँ पर विक्रय पुस्तक का योग कम लगाया है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग सेल्स को जहां होना चाहिए था वही हम उसकी प्रविष्टि करेंगे, यानी कि सेल क्रेडिट होता है तो क्रेडिट में ही हम उसकी एंट्री करेंगे, और डेबिट में यानी कि उसके अपोजिट में फिर हम उसको सस्पेंस अकाउंट में यानी उच्चंत खाते में ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ हमारी प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी, उच्चंत खाता डेबिट विक्रय खाता से, विक्रय खाते का योग कम लगाया. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग करेक्शन ऑफ सेल्स विच वॉज अंडर कॉस्ट. दूसरा, 2000 रुपए मोहन से प्राप्त हुए, उसके खाते में सिर्फ 200 रुपए क्रेडिट हुए. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोहन से प्राप्ति हुई थी 2000 रुपए की, लेकिन उसके खाते में हमने गलती से केवल 200 रुपए ही क्रेडिट कर दिए. अब जब भी मोहन से प्राप्त होती है राशि तो हम मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, यानी यहाँ हमारी प्रॉपर जनरल एंट्री होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन. और दूसरी बात, हमको ये देखना है कि जो राशि प्राप्त हुई थी उससे हम कम लिखे हैं या फिर ज्यादा. तो यहाँ पर हमने 2000 की जगह 200 लिखा है, यानी कि हमने यहाँ पर कम धनराशि लिखी है. तो मोहन का अकाउंट जो कि क्रेडिट होना था अभी भी वो क्रेडिट ही रहेगा, और उसके अपोजिट में जो अकाउंट आएगा वो आएगा सस्पेंस अकाउंट. और कितने का डिफरेंस था, कितना हमने कम लिखा, 1800 हमने कम लिखा. तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, उच्चंत खाता डेबिट मोहन के खाते से, और टिप्पणी यहाँ हम लिखेंगे मोहन के खाते में कम जमा की गई 1800 रुपए की राशि का शोधन. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट बीइंग रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर क्रेडिटिंग मोहन विद अ लेजर अमाउंट 1800 से हम इसकी एंट्री करेंगे. तीसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं 1500 रुपए का क्रय केवल 500 रुपए क्रय खाते में लिखा गया, तो इसको भी हम देख रहे हैं कि ये भी कम लिखा गया. अब क्योंकि ये भी कम लिखा गया है, यानी यहाँ पर भी जो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग क्रय खाता होना चाहिए था वही होगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा. तो क्योंकि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग जब माल हम खरीदते हैं, चाहे नगद माल खरीदें चाहे उधार माल खरीदें, क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि माल या रोकड़ अगर व्यापार में आए तो डेबिट, और माल या रोकड़ अगर व्यापार से जाए तो क्रेडिट. तो क्रय खाता यहाँ पर हमारा डेबिट ही रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि हमने कम लिखी है अमाउंट, ज्यादा नहीं लिखी है. तो क्रय खाता तो डेबिट रहेगा, लेकिन दूसरा जो उसका अपोजिट खाता है वो हो जाएगा यहाँ पर उच्चंत खाता. और अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परचेस अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा, यहाँ एंट्री हो जाएगी, और
दूसरा जो उसका पक्ष है वो हो जाएगा उच्चंत खाता से, यानी प्रॉपर एक जनरल एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, क्रय खाता डेबिट उच्चंत खाता से, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिंग रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर डेबिटिंग परचेस अमाउंट विथ लेजर अमाउंट। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, ब्याज में दी गई राशि है 6,800 रुपए की रकम ब्याज खाते में नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई यानी कि कम लिखी गई हम ये मान सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही रूल फॉलो कर सकते हैं कि कम लिखी गई है। और दूसरी बात यह है कि ब्याज में दी गई राशि है तो इंटरेस्ट को हमको यहाँ पर डेबिट करना होगा क्योंकि पेमेंट है, तो क्योंकि कम लिखी गई या नहीं दी गई दोनों बराबर ही है, तो इस कंडीशन में हम इंटरेस्ट को डेबिट का डेबिट ही रहने देंगे, दूसरा जो पक्ष है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हमारी एक प्रॉपर जनरल एंट्री हो जाएगी, ब्याज खाता डेबिट उच्चंत खाता से, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब इस जनरल एंट्री के बेस पे हम एक सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे, जैसे हम जनरल के बेस पे लेजर करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम इस जनरल एंट्री के बेस पे लेजर बना लेंगे, जिसमें फॉर्मेट में हम एक तरफ डेबिट कॉलम और एक तरफ क्रेडिट कॉलम कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब फर्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि हमारी जनरल एंट्री हुई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी इस सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले तो हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि तलपट तैयार करते समय 500 रुपए का अंतर था। हमने देखा वीडियो में कि जब अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और दोनों साइड का योग बराबर आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि हमने जनरल लेजर सारी चीजें सही करी हैं, लेकिन अगर डिफरेंस आता है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो डिफरेंस नहीं मिलता है कि ये आया कहाँ से, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो फिर उस डिफरेंस के अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पर 5,000 का बैलेंस दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, हम उसको मान लेते हैं कि वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा और सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ऐसा मानकर हम इसको सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा, तो बैलेंस बीडी ₹5,000। अब हम चलते हैं जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री है हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट और यहां पर हम इसकी अमाउंट लिखेंगे ₹1,000 डेबिट में। सेकेंड जनरल एंट्री है हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, तो फिर से यहाँ पर हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू मोहन अकाउंट 1,800। फिर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ हमारी जनरल एंट्री हुई है परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यहाँ हम देख रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट और 1,000 हम इसकी एंट्री लिखेंगे। और फिर हम लास्ट एंट्री देख रहे हैं कि यहाँ हमारी एंट्री हो रही है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो फिर हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 6,800। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसके साथ और जनरल एंट्रीज में हमने सस्पेंस अकाउंट के जो भी यहाँ पर एंट्रीज किए हैं उसके साथ कुल मिलाकर हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है वो 7,800 से क्लोज हो जा रहा है। निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए जनरल प्रविष्टियां की गई कीजिए। पहला, मशीन बेचने की राशि 1,000 रुपए विक्रय बही में लिख दी गई। फर्स्ट, ₹1,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ मशीनरी वाज रिटन इन सेल बुक। सेकंड, 2,000 रुपए का फर्नीचर क्रय की राशि मरम्मत खाते में लिख दी गई। सेकंड, फर्नीचर परचेज फॉर ₹2,000 बट द अमाउंट वाज पोस्टेड इन द रिपेयर अकाउंट। थर्ड, भवन क्रय किया 3,00,000 रुपए की राशि क्रय खाते में लिख दी गई। थर्ड, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹3,00,000 बट अमाउंट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फोर्थ, राजेश से प्राप्त 400 रुपए ब्याज उसके व्यक्तिगत खाते में लिख दिया गया।
इंटरेस्ट ₹400 रिसीव फ्रॉम राजेश वॉज क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। फिफ्थ, ₹500 की राशि राम के खाते में समाकलन करने के स्थान पर सुधा के खाते में समाकलन कर दिया गया। एन अमाउंट ऑफ ₹500 इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड टू सुधा अकाउंट वॉज डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये द्विपक्षीय अशुद्धियों के संशोधन पर आधारित है। यहाँ पर हर पॉइंट के लिए पहले हमको इसकी गलत एंट्री देखना होगा कि इसने गलत क्या किया है, फिर हमको सही एंट्री लिखनी होगी कि हमको सही क्या करना चाहिए था, और उसके बाद हमको इसके संशोधन प्रविष्टियों को लिखना होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, मशीन बेचने की राशि ₹1000 विक्रय बही में लिख दी गई। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम एसेट्स जब सेल करते हैं तो एसेट्स का नाम ना लिख के हम उसको परचेस या फिर सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर गलती क्या की कि हमने ये जो एंट्री की है मशीन को बेचने से जो राशि हुई है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया रोकड़ खाता डेबिट विक्रय खाता से, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। ये हमारी गलत प्रविष्टि है। इसकी जगह पर हमारी सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए थी? सही प्रविष्टि यहाँ पर हमारी होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो दोनों ही कंडीशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मशीनरी अकाउंट जो है वो तो क्रेडिट होगा क्योंकि मशीन तो सेल हो गई चली गई, लेकिन गलत क्या हुआ है उसको हमको रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो अशुद्ध प्रविष्टियों में हम देख रहे हैं कि जो विक्रय खाता हमने क्रेडिट किया है वो नहीं होना चाहिए था, तो अब उस विक्रय खाते को हम डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये प्रविष्टि हमारी संशोधित हो जाएगी। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यानी विक्रय खाता डेबिट मशीन खाता से। और नरेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर भूल से विक्रय खाते में लिखी गई त्रुटि में सुधार, बिंग रेस्टिफिकेशन ऑफ एरर ड्यू टू रॉन्ग एंट्री इन सेल बुक। सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं कि ₹2000 की फर्नीचर क्रय की राशि मरम्मत खाते में लिख दी गई, यानी कि गलती क्या हुई, हमने यहाँ पर गलत प्रविष्टि की है मरम्मत खाता डेबिट रोकड़ खाता से, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी गलत एंट्री है। सही एंट्री क्या होनी चाहिए? सही एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट सही एंट्री है, अब जब हम इसकी संशोधन प्रविष्टि करेंगे तो जो हमने गलत एंट्री की है उसको फिर हम रिवर्स कर देंगे, यानी यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होता है वो हम डेबिट करेंगे ही, लेकिन मरम्मत खाता यानी रिपेयर अकाउंट को जो हमने डेबिट करके गलती की थी अब हम उसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ प्रॉपर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, फर्नीचर खाता डेबिट मरम्मत खाते से। और नरेशन यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर क्रय की रकम भूल से मरम्मत खाते में लिख दी गई, भूल सुधार किया गया, बीइंग रेस्टिफिकेशन ऑफ परचेस फर्नीचर रॉन्गली पोस्टेड इन रिपेयर्स अकाउंट। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं भवन क्रय किया ₹3,00,000 की राशि क्रय खाते में लिख दी गई। यहाँ पर हम एक बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ हमने जो गलती की है, जो हमने गलत एंट्री की है वो हमने ये की है कि इस अमाउंट को हमने क्रय खाते में लिख दिया जबकि भवन एक एसेट्स है। गलत एंट्री यहाँ पर हुई है क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाता से, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत है। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब हम इसकी संशोधन प्रविष्टि करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट तो हम डेबिट रखेंगे, लेकिन हमने गलती जो की है उसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। तो गलती हमने क्या की, हमने क्रय खाता डेबिट करके गलती की थी, अब इस क्रय खाते को हम रिवर्स कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉपर जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी हमारी भवन खाता डेबिट क्रय खाता से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, भवन क्रय भूल से क्रय खाते में लिखी गई त्रुटि का सुधार, बीइंग रेस्टिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग परचेस्ड पोस्टेड टू परचेस अकाउंट।
फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं, राजेश से प्राप्त 400 रुपए ब्याज उसके व्यक्तिगत खाते में लिख दिया गया। इंटरेस्ट रुपीज 400 रिसीव फ्रॉम राजेश वॉज क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। राजेश से ये रकम प्राप्त हुई है। यहाँ पर राजेश के व्यक्तिगत खाते का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की आय है और आय का नाम लिखते हैं हम, न कि किसी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पर जो गलती हो गई वो ये हो गई कि हमने एंट्री कर दी यहाँ पर रोकड़ खाता डेबिट राजेश से, ये हमने गलत एंट्री कर दी, जबकि हमारी प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए थी रोकड़ खाता डेबिट ब्याज खाता से। तो अब हम इसको सुधार देते हैं, संशोधन कर देते हैं। तो ब्याज खाता से ये तो क्रेडिट में रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमने राजेश को क्रेडिट करके जो गलती की थी, अब हम उसको रिवर्स करके यानी वापस करके इस गलती को सुधार लेंगे। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि अशुद्ध प्रविष्टि में हमने राजेश के अकाउंट को क्रेडिट किया था, अब हम उसको वापस डेबिट कर देंगे, यानी कि प्रॉपर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी राजेश डेबिट ब्याज खाता से। और यहां हम लिखेंगे बीइंग रेस्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव रॉन्गली पोस्टेड इन हिज पर्सनल अकाउंट रुपीज 400। फिफ्थ पॉइंट, 500 रुपए की राशि राम के खाते में समाकलन करने के स्थान पर सुधा के खाते में समाकलन कर दिया गया। यानी यहाँ पर हमारी गलती जो हुई वो क्या हुई कि हमको राम का अकाउंट क्रेडिट करना था, लेकिन हमने गलती से सुधा के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो मिस्टेक जो हुई है, एक प्रॉपर एक एंट्री हम यहाँ पर अगर कैश रिलेटेड ये है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने अशुद्धि जो की वो हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट। और इसी तरह से अगर हम इसको कैश से रिलेटेड कर दें तो जो राशि राम के खाते में समाकलित होनी चाहिए थी उसके लिए जनरल एंट्री होनी चाहिए थी रोकड़ खाता डेबिट राम से, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम का अकाउंट तो क्रेडिट होगा, ये सही है, लेकिन सुधा के अकाउंट के को क्रेडिट करके हमने जो मिस्टेक की है उसको सुधारने के लिए हम इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं सुधा के अकाउंट को, फिर हम इसको क्रेडिट की जगह पे हम इसको डेबिट कर देंगे। तो प्रॉपर हमारे यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी सुधा डेबिट राम से। और नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग रेस्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट, और 500 से हम इसकी एंट्री करेंगे।